अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो देख सकते हैं अशोक लेलैंड MG गाड़ी है, बस है, जिसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी रेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं, चेक लाइट ब्लिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई और सिर्फ चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं, चेक लाइट भी ब्लिंक कर रहा है और इधर भी बॉक्स लाइट दिखा रहा है। थोड़ा धूप के कारण दिखाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ठीक है, और देखते हैं रेस करके गाड़ी रेस हो रही है क्या, पर रेस कर रहा हूँ तो गाड़ी बिल्कुल रेस नहीं हो रही है। तो बने रहे हैं तक, कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल रेस नहीं पकड़ रहा, तो सबसे पहले अपन एक्सीलेटर पैडल का वायरिंग देखेंगे, वायरिंग में क्या तकलीफ है। ठीक है, ये जो अपना 1109 BS4 में और BS3 में जो लगता है पैडल वही है, देख सकते हैं। ये सॉकेट निकालेंगे सबसे पहले और देखते हैं इसका क्या पोजीशन है। तो देखेंगे इसके अंदर, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ ज़्यादा ही कार्बन आया है इसके अंदर और इसमें पानी भी ऐसा लग रहा है मुझे, तो इसके वजह से गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही। ठीक है, इसको फर्स्ट क्लास साफ करके लेंगे और पैडल भी खोल के देखेंगे, पैडल के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है पानी गया है। ठीक है, इसके वजह से रेस नहीं पकड़ रही गाड़ी, बने रहे एंड। तो देख सकते हैं इसको काफ़ी साफ किया मगर इसमें फिर भी इसमें काफ़ी मतलब कीचड़ आया है और इसमें सिर्फ पानी जाने का ही सिवा, बारिश में जब पानी जाता है ना तभी ऐसा हुआ है। और फिर लगा के देख ही लेंगे क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा पेट्रोल भी मारना पड़ेगा। अभी थोड़ा साफ हुआ है, तो देख सकते हैं इसको भी थोड़ा ब्रश से साफ करके लेते हैं, थोड़ा क्लियर करना ज़रा। तो देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा पहले से हल्का सा साफ हुआ है। ठीक है, अब इसको लगा के देखेंगे क्या रिजल्ट दे रहा है बस। तो देख सकते हैं मतलब अभी साफ तो किया हूँ पर इसमें थोड़ा सा सड़ गया, तो लूज कॉन्टेक्ट हो गए, तो इसमें देखते हैं दूसरा सॉकेट मिला तो ठीक, नहीं तो फिर इसको क्या करेंगे, हल्का सा तांबे का तार का टुकड़ा उकड़ा डाल करके हर मतलब वायर के अंदर जो कि टाइट बैठे, क्योंकि ये नहीं तो ये पिन जो है ना लूज रहेगा, इधर दिखाना, ये जो है पिन लूज हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा वायर का, तो देख सकते ये भी परफेक्ट हो चुका है और देखते हैं फिटिंग करके क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो देख सकते हैं ये MG इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको भी देखते हैं, स्लेडर पैडल तो फिटिंग करके ले लिया हूँ, देखते हैं क्या दिक्कत है। अभी तो फिटिंग करके लिया हूँ पर देखते हैं रेस पकड़ता है कि नहीं गाड़ी। और पहले उसमें DCB लाइट आ रहा था, चेक लाइट आ रहा था, ठीक है, चेक लाइट ब्लिंक कर रहा था, वो भी देखते हैं, देखते रेस पकड़ता है कि नहीं। तो देख सकते हैं गाड़ी भी रेस पकड़ने लगी, पहले रेस नहीं पकड़ रहा था और ADC ब्लिंक कर रहा है, वापस बंद करके देखेंगे, करते स्टार्ट इसका। देख सकते हैं भी लाइट बंद हो गया, जो ब्लिंक कर रहा था वो लाइट बंद हो चुका है, पहले लाइट ब्लिंक कर रहा था ना, वापस गाड़ी बंद करेंगे
वापस एक बार और जीसी लाइट आया और गया। जो चेक लाइट था ना, ये जो ब्लिंक कर रहा था देख सकते हैं, ऑन किया और चला गया। चार्ज किया, सारी लाइट गया, चेक लाइट है चालू और ये भी फर्स्ट क्लास हो रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देख चलिए।